गुड मॉर्निंग सेवन क्लास, माई सेल्फ रुचि गुप्ता फ्रॉम हैप्पी कैंपस स्कूल. इन लास्ट क्लास वी हैड डन एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 to 7. नाउ वी विल कंटिन्यू क्वेश्चन नंबर 8. 8 क्वेश्चन में है शो दैट -2/3 रेज टू पावर 3 इक्वल -8/27. आपके पास ये लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है, बीच में इक्वल का साइन है. आपको प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड. ये तो आपका नेगेटिव रैशनल नंबर है और ये पावर में है, तो हम इसको खोल के इसको रैशनल नंबर में ले आते हैं. -2/3 है 3 times, -2/3 × -2/3 × -2/3. ऊपर को ऊपर से मल्टीप्लाई, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, -8 बाय में 27. ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है इक्वल ये राइट हैंड साइड है. दोनों साइड हमारी इक्वल आ गई, इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड. सेकेंड पार्ट में भी ऐसे ही -3/5 रेज टू पावर 4 इक्वल 81/625. ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है. ये तो सॉल्व्ड है, आपका रैशनल नंबर है. इसको हम सॉल्व करेंगे -3/5 × -3/5 × -3/5 × -3/5. 4 times लिख लिया, ऊपर को ऊपर से मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई में माइनस से माइनस कट हो जाता है. ये माइनस कट हो जाएगा, ये माइनस ये वाला माइनस कट हो जाएगा. 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 81. डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125, 125 5 ज़ा 625. लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, दोनों साइड आपकी इक्वल है. ठीक है, 8 के चारों पार्ट ऐसे करने आपको साइड्स इक्वल प्रूव हो जाएंगे. क्वेश्चन नंबर नाइन में आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है. अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में देखो, ये 2/2 है, कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6 7, 2/2 की 7. अब -3/4, ये देखो -3/4 को काउंट करो कितनी टाइम्स है, 1 2 3 4 5, 5 times है. इट मीन्स -3/4 रेज टू पावर 5. क्वेश्चन नंबर 10, 10th क्वेश्चन में आपको रैशनल नंबर में शो करना है. आपको पावर में गिवन है, हमें रैशनल नंबर में फॉर्म करना है. -4/3 रेज टू पावर 2, इट मीन्स -4/3 2 times. -4/3 मल्टीप्लाई -4/3, 2 times लिख लिया. मल्टीप्लाई में माइनस से माइनस कट हो जाएगा. न्यूमिरेटर को न्यूमिरेटर से मल्टीप्लाई, 4 4 ज़ा 16, 3 3 ज़ा 9. 10th का सेकेंड पार्ट है, 3/-2 की रेज टू पावर 4, इट मीन्स 3/-2 4 times. इसे 4 times लिख लिया. मल्टीप्लाई में माइनस से माइनस कट हो जाएगा. अब ऊपर नीचे नहीं कट रहा, न्यूमिरेटर को आपस में मल्टीप्लाई, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 81, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16. 81/16 इज योर आंसर. 10th के सारे पार्ट ऐसे करने हैं. क्वेश्चन नंबर 11, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म. अब इसको आपके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है. 128 का एलसीएम लेंगे. एलसीएम लेके 2 कितनी टाइम्स आया, 2 आया आपका 7 times. तो -1/2 की पावर 7, क्योंकि ये 7 times आया. ऐसे ही -27/125. 27 देखो, इसके ब्रेक करना है इसको. 27 का भी ऐसे एलसीएम ले सकते हो, 125 को भी एलसीएम ले सकते हो. -3 × -3 × -3, 125 को 5 × 5 × 5, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 आ गया. अभी कितनी टाइम्स है, 3 times है. -3/5 की पावर 3. क्वेश्चन नंबर 12 में आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है. इसको सॉल्व करके रैशनल नंबर में आंसर लेके आना है. 2/-3 की पावर 3, 3 times है. 2/-3, 2/-3, 2/-3. अब ये 2 times है, -4/3, -4/3. माइनस है माइनस कट गया मल्टीप्लाई में. अब ये कट रहा है, ऊपर नीचे नहीं कट रहा, ऊपर को ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे को नीचे से मल्टीप्लाई. 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 4 ज़ा 32, 32 4 ज़ा
128 by 3 3 9 9 3 27 27 3 81 81 3 243। अब ये एक माइनस बच गया था ना, तो आंसर में माइनस आएगा 128 by -243। सॉल्व करके इसका ये आएगा। ट्वेल्थ के सारे पार्ट ऐसे आपको सॉल्व करके दिखाने हैं। 13 में राइट द रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है, इट मीन्स उल्टा कर दो। -5/8 की पावर 21 उल्टा कर दो 8/-5 की पावर 21। अब ये 2 है ना, इसको उल्टा कैसे करोगे? यहाँ पे लिख दो बाय 1। जब इसको रेसिप्रोकल करोगे तो बन जाएगा -1/2 रेज टू पावर 3। 14 क्वेश्चन में द क्यूब ऑफ 1/3। 1/3 की क्यूब, इट मीन्स 1/3 थ्री टाइम्स, 1/3 × 1/3 × 1/3। ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई किया, नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9 9 3 27। नेक्स्ट में थर्ड है द क्यूब ऑफ -3/5 की पावर। क्यूब का मतलब होता है 3 टाइम्स, -3/5 -3/5 -3/5। ऊपर को मल्टीप्लाई किया 27, नीचे मल्टीप्लाई किया 125, -27/125। क्वेश्चन नंबर 15, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज स्क्वेयर ऑफ अ रैशनल नंबर। अभी किसका स्क्वेयर बन रहा है? 100 है। 100 किसका बनता है स्क्वेयर? 10 × 10। 121 किसका बनता है? 11 × 11, 10/11 raised to power 2। 400 किसका बनेगा? 20 × 20। और 441 बनेगा 21 × 21। ये 2 टाइम्स आए ना, 20/21 raised to power 2। क्वेश्चन नंबर 15 तक कंप्लीट कर लेना। ओके, थैंक यू।